स्टोरों और रेस्टोरेंट से करोड़ों की टैक्स वसूली, अल्फता स्टोर से 5 करोड़, रहीम स्टोर 1 करोड़ 80 लाख, जलालसन से 2 करोड़ रिकवर कर लिए गए। एफबीआर ने गुज़िश्ता 5 सालों के रिकॉर्ड की छानबीन करने के बाद टैक्स आयद करके रिकवरी की तफसीलात से आगाह करेंगे। शब्बीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शब्बीर हैदर। जी बिल्कुल, एफबीआर ने लाहौर में बड़े पैमाने पर सेल्स टैक्स चोरी करने वाले 12 से ज्यादा जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं और रेस्टोरेंट पर छापामार कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की रिकवरी कर ली है, जिसमें अलफतेह डिपार्टमेंटल स्टोर से 5 करोड़, रहीम स्टोर इकबालटन ब्रांच 1 करोड़ 80 लाख और जलालसन डिफेंस 5 और उसके साथ गुलबर्ग ब्रांच से 2 करोड़ रुपए की रिकवरी, जबकि नेमत खाना डिपार्टमेंटल स्टोर से 80 लाख और अंदरून लाहौर की जो मशहूर खलीफा बेकर है उससे 1 करोड़ 20 लाख और सवेरा डिपार्टमेंटल स्टोर शादमान ब्रांच से 1 करोड़ और पतली गली रेस्टोरेंट डिफेंस से 25 लाख और इसके साथ साथ रैम्बो डिपार्टमेंटल स्टोर है उनसे 1 करोड़ 20 लाख और नदीम कैटरिंग से 2 करोड़ 50 लाख और डिसेंट स्टोर से 1 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है। जबकि इसके साथ साथ जबकि यासर ब्रॉस रेस्टोरेंट उसका रिकॉर्ड तमाम कब्जे में लिया गया, जिसकी छानबीन का सिलसिला जारी है। जबकि जो सवेरा डिपार्टमेंटल स्टोर वाबलाटन ब्रांच है उनको भी होल्डिंग टैक्स साल 2016 और 2017 का ऑडिट करने के बाद 90 लाख रुपए का टैक्स आयद कर दिया गया है। जराय का कहना है कि इन तमाम की कार्रवाई करने के बाद जिनके ऊपर टैक्स अभी आयद किया गया उनसे रिकवरी की जाएगी, जबकि जो यासर ब्रॉस रेस्टोरेंट है आई एम मालम रोड पर वाक्य है उसका तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, उसके रिकॉर्ड की भी छानबीन करने के बाद तमाम रिकवरी को यकीनी बनाया जाएगा। जी शुक्रिया आपका शब्बीर हैदर जफर तफसीलात से आगाह करने के लिए।